इसका प्राइस देखो अप्रोक्सीमेट है 15,990। नहीं होगा नहीं होगा, अटक रहा है अटक रहा है अटक रहा है। ये लगता है गाड़ी के सीट के नीचे। तो आ गए हैं हम लोग वापस रिदम कार एक्सेसरीज में। Hey, good morning guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, आज का ट्रिप शुरू करने के पहले, मतलब आज के वीडियो शुरू करने के पहले, मैं सबसे पहले जा रहा हूँ स्टाइलर सलून में शेविंग करवाने के लिए, बिकॉज मैंने आपको कल भी बताया था कि मुझे ये बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तो फटाफट जाता हूँ, पहले शेविंग करवा लेता हूँ एंड उसके बाद आज मैं गाड़ी में क्या करने वाला हूँ, क्या मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, ये मैं आपको बताऊंगा। सो गाइज, फाइनली शेविंग हो चुका है एंड फिर से मैंने फोन को माउंट कर दिया है ऑन द मोबाइल होल्डर। क्या बोल, चलो अभी निकलते हैं एंड जाते सबसे पहले रिदम। आपने देखा था कि मैंने अपनी गाड़ी में ड्रिवन का एंड्रॉइड प्लेयर डाला है, मोरिल के स्पीकर्स डाले हैं एंड जैपको का एम्पलीफायर डाला है। साउंड क्वालिटी एक नंबर है, जबरदस्त है, बास ट्रेबल एवरीथिंग इज परफेक्ट। बट मुझे हार्दिक भाई ने बोला था कि भाई कभी भी टाइम मिले ना तो एक बार गाड़ी में ना वूफर डाल के देखना भाई, जो एक अलग ही इफेक्ट आता है। तो आपको डैम्पिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज मैं गाड़ी में एक मस्त वूफर डाल दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा वूफर डालने वाला हूँ, वो वूफर का आउटपुट क्या है एंड उसका प्राइस कितना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस इंस्टॉलेशन पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा आपको एंड लास्ट में गाड़ी का जो आउटपुट है, जो साउंड आउटपुट है, इन शॉर्ट ये कितना अच्छा है, कितना मस्त बज रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको आज के ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। अब हमने ले लिया है यू टर्न एंड आ गया हार्दिक भाई की ऑफिस। डॉग इतना मस्त सोया ना। तो आ गए हैं हम लोग वापस रिदम कार एक्सेसरीज में, हार्दिक भाई को मिलते हैं एंड कौन सा वूफर डालना है ना वो उनसे पूछते हैं। तो गाइस, ये पूरा उनका स्टॉक है एंड वो मुझे बोल रहे थे कि वेक्सटोन का डाल दो। तो ये जो है ना ग्रीन कलर का, ये अपनी कार में फिट होगा, इनोवा क्रिस्टा में एंड ये फॉर्च्यूनर या उसकी कोई बड़ी गाड़ी होती है ना, जैसे एंडेवर उनमें होता है। तो ये एक्चुअली ना दिस इज ओपन, मतलब ये डिक्की में लगता है, तो ये तो मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मेरी गाड़ी में कस्टमर होता है तो उनका लगेज बहुत होता है। तो उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया है, ये जो वूफर है ना ये लगता है गाड़ी के सीट के नीचे, ठीक है। एक लेफ्ट साइड पर हम लोग ने लगाया एम्पलीफायर एंड सेकेंड साइड पर ये लगेगा अंडर द सीट। इसका प्राइस देखो अप्रोक्सीमेट है 15,990। वीडियो के लास्ट में हम पूछेंगे हार्दिक भाई से कि अगर मेरे को सब्सक्राइबर आपसे कुछ बुकिंग करवाते तो कितना डिस्काउंट मिलेगा इसके ऊपर। एंड गाइस, ये जो वूफर है ना जैसे 2,000 वॉट्स भाई, बहुत ज़्यादा इनफ है। ये है 3,000 वॉट, ये है 3,500 वॉट, ये तो फिट नहीं होगा, ये फिट करा नहीं सकते हैं बिकॉज बूट का इशू है। तो फिट हम यही करेंगे एंड वायरिंग में बोला उन्होंने कि हम यूज़ करेंगे हाइपरसोनिक का, फिर इसमें वापस केबल लगेगा, तो हाइपरसोनिक का केबल ये वूफर। सो गाइस, अभी अपना काम चालू होने वाला है, पहले तो हाइपरसोनिक का ये जो केबल है भाई, इसमें जो केबल लगता है क्या, पहले मैं जो केबल डाला था वो नहीं, मतलब पहले हम लोग एम्पलीफायर डाला उसमें भी केबल डाला एमटेक का, तो वो यूज नहीं कर सकते क्या इसमें, अलग अलग लगता है क्या। अच्छा, बस सबसे पहले हम लोग इसको फिटिंग करेंगे, इसका वायरिंग करेंगे मतलब, एंड जो वूफर है ना वो मेरी सीट के नीचे आएगा क्योंकि ये सीट के नीचे तो ऑलरेडी एम्पलीफायर लगा है। सब काम चालू हो चुका है एंड देखो बोनेट भी खोल दिया है क्योंकि वायर यहाँ से लेके मेन सॉकेट तक जाएगा आगे तक। ये देखो, ये है ग्रीन वायर हाइपरसोनिक का जो लगेगा अपने वूफर में एंड पहले अगर आपने देखा रहेगा देखो ये, तो ये जो फ्यूज बॉक्स है दिस इज फॉर द एम्पलीफायर। भाई ये ब्लैक ब्लैक क्या आ रहा है इसके ऊपर, हीट नहीं होता है, हीट नहीं होता है, चूहा वायर नहीं काटेगा। अच्छा, चूहा वायर नहीं काटेगा, सही है। अच्छा, ये पूरा पूरा निकालना पड़ेगा वापस पूरा, ये प्लेयर भी, और ओ हो हो, ये सब वूफर का वायर है, ये ग्रीन वाला वूफर का वायर है। अच्छा, मतलब एक वायर के लिए पूरा खोलना पड़ता है। अच्छा ओके, ये कुछ मैंने नया देखा है, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ वूफर अपनी गाड़ी में, बट ये है ना वूफर का बास कंट्रोलर है, मतलब इसमें आपको जितना बास ज़्यादा चाहिए कम चाहिए ना एज पर द सॉन्ग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मुझे पूछे थे मैं कहाँ पे लगाओ, तो होल मारना पड़ेगा दो जगह पे, तो मैं सोचा था यहाँ पे लगाओ बट वो बोले कि भाई यहाँ पे ना लाइट ब्लिंक होता है, लाइट ब्लिंक होगा ना तो रात को थोड़ा और दिखेगा कस्टमर को एंड यहाँ से वायर दिखता है। तो अभी हम लोग इसकी इसको कहाँ पे फिट करें ना अभी हम लोग ये सोच रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं किया है। 90% मुझे लगता है इसको भी मैं सीट के नीचे लगा दूंगा इसके अंदर, ताकि क्योंकि ये हमेशा शेड ना तो है नहीं, एक बार कर लिया तो कर लिया। भाई ये क्या वायर है, वायर पिन, ये क्या काम करता है, सब ऊपर में। अच्छा ओके, अच्छा ओके, अच्छा ओके, कनेक्टर है बस, हमने सब काम तो चालू कर लिया है। लेकिन ये जो एम ये जो वूफर है ना ये अभी हम लोग चेक करेंगे कि ये वूफर एक्चुअली अभी सीट के नीचे आएगा कि नहीं, तो ये एक्चुअली पहले करना चाहिए था बट ठीक है, भाई बोल रहे कि आ जाएगा डोंट वरी भाई, तो बस अभी वो फिटिंग करेंगे। तो फाइनली अभी हम ट्राई करेंगे कि ये वूफर नीचे फिट हो जाए, होगा नहीं होगा, नहीं होगा, अटक रहा है अटक रहा है अटक रहा है।
फिलहाल तो हमको लग रहा है कि भाई ये एक ही पोजीशन है जहाँ पे ये फिट हो सकता है। मैं बाइक को बोला इसकी जरा पीछे करके दिखाए कि किस तरीके से ये दिखेगा, तो कस्टमर को परेशानी नहीं होनी चाहिए बस। भाई तो भी थोड़ा विजिबल है यार। सो गाइस अभी चालू हो गया वायरिंग का मेन काम, तो यहाँ पे बस अभी थोड़ा सा कनेक्शन करना बाकी है एंड उसके बाद आई गेस ऑलमोस्ट हो गया काम। भाई ये फ्यूज़ लगाना तो बहुत नेसेसरी का काम है, क्योंकि गाड़ी में अगर कुछ भी शॉर्ट होता ना तो ये जो फ्यूज़ है ना ये शॉर्ट हो जाता है, मतलब ये उड़ जाता है एंड जो अपना बैटरी है या और भी कोई इलेक्ट्रिक आइटम है ना वो डैमेज नहीं होता इससे। गाइस वूफर लग गया सीट के नीचे, एम्पलीफायर है ये सीट के नीचे, स्पीकर भी नया है, रिबन का प्लेयर है एंड वायरिंग सब कुछ हो चुका है। अभी लास्ट जो काम बाकी है वो है इसका ट्यूनिंग करना, तो अभी मैं बैठूंगा यहाँ पे, भाई बैठेगा यहाँ पे और फिर ट्यूनिंग का काम चालू होगा। सो गाइस फाइनली वूफर लग गया है एंड भाई जो सेटिंग में मज़ा आया ना भाई, मतलब सेटिंग करने में जो मज़ा आया ना ऑलमोस्ट हमको एक घंटा लग गया भाई सेटिंग करने में, क्योंकि एम्पलीफायर से सेटिंग करो, टेप के पीछे जो वो है उसकी सेटिंग करो, फिर वूफर में सेटिंग करो, भाई करते करते बहुत टाइम चला गया। लेकिन अभी फिलहाल जो साउंड आ रहा है भाई एक नंबर है, तो जैसे मैं यहाँ से निकलूंगा ना फिर से आपको गाना सुनाता हूँ मैं। सो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से रिदम कार एक्सेसरी से एंड अभी जाते हैं टूवर्ड्स मेरे घर पे एंड एक बार चेक करते हैं इसका वॉल्यूम कैसा है वगैरह वगैरह। तो चलो अभी गाना प्ले करते हैं। एंड गाइज मैंने अभी एंड गाइज हार्दिक भाई ने ये बोला है कि अगर आपको ये सब वूफर चाहिए आपकी कार के लिए तो आप उनको कॉल कर सकते हो, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर एंड उनका गूगल मैप लोकेशन ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। एंड सिर्फ वूफर नहीं, आपको कोई भी अगर आइटम चाहिए आपकी कार के लिए तो आप उनको बोल सकते हो। फिलहाल के लिए ही हैज टोल्ड मी कि अगर आपको वूफर चाहिए तो 25% MRP के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि आपका नंबर VWR मतलब व्लॉग्स विद रौनक से मिला है या कार नंबर 7677, तो आप इतना बोल दीजिए तो वो आपको जो भी है बेस्ट में बेस्ट 25% डिस्काउंट तो वो देगी देंगे, प्लस और भी आपने कुछ आइटम उनसे परचेज किया है तो उसमें भी मैक्सिमम जो डिस्काउंट उनसे बन सकता है वो आपको देंगे। तो गाइस चलो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। चैनल बने तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल दैट टाइम पीस।